वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ संध्या राय। आई एम गोइंग टू टीच SST चैप्टर 3, द नॉर्दर्न प्लेन, फर्टाइल प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। ठीक, इसके पहले के टॉपिक को हम इसके पहले के वीडियो में कवर किए हैं। आज के हमारे टॉपिक है द ब्रह्मपुत्र बेसिन। इसके पहले की हमारी टॉपिक थी द सतलुज बेसिन एंड द गंगा बेसिन। This is the eastern part of the northern fertile plain. ब्रह्मपुत्र बेसिन क्या है? Eastern part of northern fertile plain. उत्तरी उपजाऊ मैदान का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? ब्रह्मपुत्र बेसिन कहलाता है। The ब्रह्मपुत्र बेसिन is very narrow और यह बहुत ही सकृत है। ठीक, एज कंपेयर टू द गंगा बेसिन, गंगा बेसिन की अपेक्षा यह बहुत ही सकरा पतला है। ठीक, रिवर ब्रह्मपुत्र हैज इट्स ओरिजिन इन तिब्बत नियर मानसरोवर लेक। और रिवर ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ से हुआ, ओरिजिन मतलब कहाँ से प्रारंभ हुआ, कहाँ से है बना हुआ, तो तिब्बत नियर मानसरोवर लेक, मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में है वहाँ से इसका उद्गम हुआ है। वेयर इट इज कॉल्ड तासांगपो, और वहाँ उसे किस नाम से जानते हैं? तासांगपो के नाम से जानते हैं। द ब्रह्मपुत्र बेसिन रन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एवब भूटान इन द हिमालय रीजन्स। द ब्रह्मपुत्र बेसिन रन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ब्रह्मपुत्र बेसिन कैसे चलती है? तो पश्चिम से पूर्व एवं भूटान पे इन हिमालय रीजन, हिमालय क्षेत्र में भूटान पे यह पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। देन इट टर्न्स नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद वह उत्तरी पूर्वी की तरफ मुड़ती है। और एंटरिंग इंडिया इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और उस भारत में एंट्री होती है और किस स्टेट में? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, इट देन फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ असम, और उसके बाद वह असम स्टेट की तरफ फ्लो करती है एंड मेघालय एंड इंटर्ड बांग्लादेश। और असम और मेघालय होते हुए वह कहाँ इंटर्ड करती है? तो बांग्लादेश में। देयर इट इज नन एज जमुना, और वहाँ उसे किस नाम